सुप्रभात बच्चों, बच्चों आज मैं वर्ग 3 का पार्ट 2 पढ़ा रही हूँ, जिस शीर्षक वो कहानी है, कहानी का शीर्षक है वह सूरज था। तो यह उस समय की बात है जब सब जगह अंधेरा था, कहीं कोई भी प्रकाश नहीं था, जंगल का कोई भी जानवर देखना नहीं चाहता था, वे किसी पेड़ पत्थर झाड़ी या पहाड़ को नहीं जानता था, वे किसी भी जानवर के शरीर को नहीं देख पाते। बच्चों उस समय की बात है जब सब जगह पृथ्वी पर अंधेरा ही अंधेरा था, जंगल में कोई भी जानवर देखना नहीं जानता था, मैंने किसी को कुछ देखता समझता ये वो उसमें समझ नहीं था जानवरों में। वे पेड़ को नहीं जानते थे, पत्थर को नहीं जानते थे, झाड़ी पहाड़ नदी किसी भी चीज़ को नहीं समझते थे, वो लोग जानते ही नहीं थे कि ये चीज़ क्या है, और वे किसी भी जानवर के शरीर को भी नहीं देख पाते थे, इतना अंधेरा हो गया था उस समय। तो उस अंधेरे में उसको कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था, ना कुछ समझ में आ रहा था। तो जंगल के सारे जानवर चलते चलते आपस में टकरा जाते थे, जब क्योंकि वो देख नहीं पाते थे, इतना अंधेरा था, जो चलते चलते एक दूसरे से टकरा जाते थे, कभी वो पेड़ और पत्थर से भिड़ जाते थे, कभी पेड़ से टकरा जाते थे, कभी पत्थर से टकरा जाते थे, कभी झाड़ी में उलझ जाते थे, कभी वो पानी में गिर जाते थे क्योंकि वो देख ही नहीं पाते थे, कभी वो कीचड़ में ही फंस जाते थे। सब जानवर परेशान थे, बहुत ही परेशान हो गए थे सभी जानवर। तब क्या हुआ कि एक चालाक खरगोश ने कुछ सोचा, उसी जानवर में जो खरगोश था जंगल में, वो खरगोश कुछ सोचा, उसने सभी जानवरों को बुला बुला कर इकट्ठा किया, एक जगह सभी जानवरों को बुला लिया, और बुला करके एक जगह इकट्ठा मने होता है सबों को एक जगह जमा किया, इकट्ठा मतलब हो जाता है जमा करना। तो इकट्ठा मतलब होता है जमा होना, एक जगह सबों को जमा किया, सब बारी बारी से आए, सभी जानवर बारी बारी से, एक एक करके, बारी बारी मतलब एक एक करके आना, एक एक करके आए जंगल के किनारे, एक जगह आए जंगल के किनारे जा कर के, जहाँ पर कि जंगल तो जंगल होता है क्योंकि वहाँ पर बहुत अधिक पेड़ पौधे होते हैं, और पेड़ पौधों के कारण भी सूरज की रोशनी वहाँ पर पृथ्वी पर नहीं पहुँच पाती थी, इसीलिए अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता था। तो जंगल के किनारे वो लोग गए, और वहाँ पर बंदर आया, भालू आया, शेर आया, चीता आया, लोमड़ी आया, गधा आया, घोड़ा आया, बैल आए, बहुत सारे जानवर, जितनी भी जानवर थे सभी एक जगह आ गए, एक एक करके सारे जानवर आ गए। हाथी देर से आया, सभी तो आ गए लेकिन हाथी जो था जंगल में वो कुछ देर से आया। एक ऊंचे पत्थर पर बैठकर खरगोश ने कहा, एक ऊंचा पत्थर था उस पर बैठ गया खरगोश, और वहाँ पर बैठकर कहा कि भाइयों सब परेशान हैं, भाइयों जितने भी हम जानवर हैं सभी परेशान हैं, पर परेशानी का हल निकालना बहुत ही ज़रूरी है। अब इस परेशानी का ये समस्या है, परेशानी जो है हम लोगों की समस्या है, और इस समस्या का हल निकालना जो है बहुत ज़रूरी है। सबने आवाज़ें निकाल कर कहा हाँ हाँ, कहा हाँ, आप जो बोले हैं कि परेशानी का हल निकालना ज़रूरी है, ये ज़रूरी है, सबों ने कहा, चलो हम उसकी पूजा करते हैं। खरगोश बोला, खरगोश बोलता है कि इस परेशानी की हल निकालने के लिए हम उसकी पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं, हाथी बोलता है तब कि किसकी पूजा, सारे पूछने लगे, हाथी बोला किसकी पूजा, और सभी जानवर पूछने लगे किसकी पूजा, सब पूछ रहे थे किसकी पूजा, खरगोश चुप रहा, खरगोश खुद तो बोल लिया कि उसकी पूजा करनी चाहिए, लेकिन किसकी पूजा करनी चाहिए वे खुद भी नहीं समझ पा रहा था, इसलिए वो चुप रहा। तो शेर बोला, पूजा यह क्या है, ये पूजा क्या चीज़ है। तो भेड़िया बोलता है,
हम किसकी पूजा करें। भेड़िया तब कहता है कि आपने तो कह दिया कि उसकी पूजा करें, तो हम किसकी पूजा करें। खरगोश बोला, हम उस भगवान की पूजा करते हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आया। खरगोश बोलता है, हम उस भगवान की पूजा करते हैं। वो तो बोल दिया कि उस भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन सभी जानवर नहीं समझ पा रहे हैं कि वो कौन से भगवान है, किसकी पूजा करते हैं। सब सोच में पड़ गया और सब सोचने लगे। कुछ देर तक सब चुपचाप खड़ा रहा। सभी जानवर चुपचाप शांतिपूर्वक खड़े रहे, शांत खड़े रहे। अचानक आसमान में उजाला हुआ। अचानक क्या हुआ कि आसमान में कुछ उजाला हुआ। उजाला मतलब होता है प्रकाश, रोशनी। उजाला मतलब हो गया प्रकाश। प्रकाश या रोशनी। तो आसमान में उजाला हुआ, हर जगह उजाला फैल रहा था। सबकी आंखों से कुछ दिखाई देने लगा। सभी जानवरों के आंख से कुछ कुछ दिखाई देने लगा, क्योंकि उजाला हो चुका, रोशनी फैलने लगा, तो सबको दिखाई देने लगा। आसमान और दुनिया से अंधेरा छटने लगा। पूरे आसमान से अंधेरा छटने लगा, पूरी दुनिया से अंधेरा छट गया। यानी सूरज तो हमेशा उगता है और हमेशा ही रहता है आसमान में, लेकिन जानवरों को समझ ही नहीं था, उसे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। लेकिन जब वो एक साथ बोलता है कि हम पूजा करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, ऐसा जो उसने कहा, और शांत होकर के वो पूजा करने में लग गया, सोचने लगा, तो एकाएक हो गया उजाला। यानी कि सूर्य भगवान तब उग गए और सारे संसार में अंधेरा छटने लगा, पूरे संसार में उजाला फैलने लगा। उजाला फैल रहा था, सबको सब कुछ दिखाई देने लगा। सारे आश्चर्य से एक दूसरे को देखे जा रहे थे, आश्चर्यचकित होकर के। आश्चर्य मने होता है चकित होना, आश्चर्यचकित होना, आश्चर्यित होना। आश्चर्य होकर के देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, जहाँ कहीं हमको जब कभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन एकाएक आज सब कुछ दिखाई दे रहा है। सब एक दूसरे को देख रहे हैं, पहचान रहे हैं सभी जानवर आपस में, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहा था, कुछ नहीं बोल रहा था। सब हैरान था, परेशान था कि ये क्या हो रहा है। कुछ समय बाद आसमान के किनारे लाल लाल चमकता हुआ एक बड़ा सा गोला दिखाई देने लगा। आसमान में एक लाल लाल चमकता हुआ बड़ा सा गोला दिखाई देने लगा। बच्चों, आप जानते होंगे कि वो लाल लाल गोला क्या होता है, तो वो सूरज था। जो सूरज आसमान में उग गया और लाल लाल गोला दिखाई देने लगा, सब ने उसे भगवान माना। सभी जानवरों ने माना कि आज यही भगवान है जो हमें सब कुछ दिखाई देने लगा, यही भगवान हमें सब कुछ दिखाने लगा। चुपचाप खड़े रहना ही पूजा माने। सभी जानवर समझ गए कि हम लोग चुपचाप खड़े रहेंगे, यही हमारी पूजा है। चुपचाप खड़े होकर के हम पूजा कर रहे हैं, और किसकी पूजा कर रहे हैं, तो सूर्य भगवान की। और वही सूर्य भगवान आज उग गए और वो सूरज हैं। उजाले की चाहत ही प्रार्थना माने, यही प्रार्थना माने। चाहत मतलब वो उसमें मन में ये चाहत थी कि हम कुछ देखें, तो देखने के लिए उसने प्रार्थना की, वही प्रार्थना हुआ उसकी चाहत। यही पूजा वे रोज सुबह करने लगे। रोज सुबह उठ जाते थे और वही उस पत्थर पर जा कर के, जंगल के किनारे पत्थर पर जा कर के वे लोग सभी कोई खड़े हो जाते थे शांत चित्त होकर के, और करने लगे। रोज सुबह भगवान की पूजा करने लगे, सूरज भगवान की। अब सब कोई हंसी खुशी से जंगल में रहने लगे। तो यही आपकी कहानी थी बच्चों, कि एक जानवर ने भी समझा भगवान है, और बिना सूरज का तो हम लोग हैं ही नहीं। सूरज नहीं तो हम लोग नहीं, इसीलिए ये जानवरों ने भी समझा कि ये सूरज ईश्वर ही है। अब कुछ शब्दार्थ है जो आप लोगों को हम लिख देते हैं, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के याद कर लीजिएगा। उजाला तो समझ गए कि प्रकाश और रोशनी, और इकट्ठा का अर्थ होता है जमा। शांत, शांत का मतलब होता है चुपचाप।
खड़ा रहना, चुपचाप रहना, ये हो गया शांत। आश्चर्य मने होता है हैरानी, हैरानी या इसको हम चकित भी कह सकते हैं। झाड़ी, झाड़ी क्या होता है? तो झाड़ी होता है छोटे छोटे पेड़ों का समूह, छोटा छोटा पेड़ का झुरमुट जो होता है वो होता है झाड़ी। तो धन्यवाद बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस शब्दार्थ को याद कर लीजिएगा अच्छी तरह से। Stop doing me. I don't understand.